ग्रामीण भारत के सबसे बड़े सर्वे में गांव कनेक्शन ने अलग अलग राज्यों के हजारों किसानों से अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय पूछी। आपको जान के हैरानी होगी कि सर्वे के दौरान करीब 48% लोगों ने कहा कि वो या उनके परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती करे। देखिए, बढ़ती लागत, बाजार का ना मिलना, MSP की दिक्कत, प्राकृतिक आपदाओं से जूझते किसान क्या कह रहे हैं। गांव कनेक्शन के सर्वे में किसानों से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती करे। सवाल के जवाब में ज्यादातर किसानों ने कहा वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे खेती को रोजगार के रूप में अपनाएं। कई किसानों ने तो यहाँ तक कहा कि इस किसानी से अच्छी तो मजदूरी है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी खेती करें? अब हम चाहते तो नहीं है, मजदूरी है, फायदा नहीं होगा, करनी चाहिए, पड़ेगी, अब हम तो नहीं चाहते। खेती तो चाहते तो हैं पर खेती होती तो नहीं है। आप आने वाली अपनी जो पीढ़ी है क्या उनसे उनको खेती कराने की नसीहत देंगे या उनसे खेती करवाएंगे आप? नहीं, उनको कोई नसीहत नहीं देंगे। जी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि किसान की जो रोजगार स्थिति है वो परेशान हो जाता है इससे। सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती करे। 38% लोगों ने कहा कि वो और उनके बच्चे दोनों चाहते हैं कि वो खेती को रोजगार के रूप में अपनाएं, जबकि इस दौरान 13.9 यानी करीब 14% लोगों ने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि खेती करें लेकिन उनके बच्चे इस बात के राजी नहीं हैं। गांव कनेक्शन ने अपने सर्वे में पूछा कि खेती की उनके समझ में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ज्यादातर किसानों ने कहा फसल का सही दाम ना मिलना, लाभकारी मूल्य ना मिलना उनके गांव में सबसे बड़ा रोड़ा है। आज आप ये बताओ, हमारा 1 किलो अनाज 10 रुपये किलो में सरकार ले रही, 15 रुपये किलो में। आज पानी की वाटर 20 रुपये लीटर मिल रही है। पानी क्या बताओ, किसान कहाँ तक आगे बढ़ा वो एक पानी 20 रुपये लीटर, वो हमारे 1 किलो अनाज 15 रुपये किलो। वही बड़ी मेहनत, वही बड़ी मेहनत। किसान कुछ भी करता है, मेहनत मेहनत करके वो एक जगह पर जमा कर देता है, बीच बीच सब कुछ तैयार करके रख देता है, बाद में उसमें आता है गवर्नमेंट रेट लगाता है, वो उसको उसमें थोड़ा हाफ रेट लगा देता है, इसकी वजह से किसान को बहुत सारी प्रॉब्लम। खेती में जी बीज कॉस्टली है कुछ, तो जो बीज आता है कॉस्टली है, उसमें जुताई का खर्च ज़्यादा हो जाता है और सही प्राइस नहीं मिल रहा उसका। लेबर जो जितना है यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भाग के शहरों की तरफ भाग रहा है, यहाँ पे जो लेबरी चल रही है वो 200 रुपये 150 रुपये और शहर में जाके वो 300 रुपये 400 रुपये पर डे की कमा रहा है। आज के दौर में डीजल महंगा, उर्वरक महंगे, कीटनाशक महंगा और लेबर महंगी, ये इस महंगी की वजह से खेती में घाटा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस दौरान 43.6% किसानों ने कहा कि फसल का सही दाम ना मिलना उनके सबसे बड़ी समस्या है, ये उनकी पहली समस्या थी। फिर 19.8% किसानों ने कहा कि मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं वो उनके लिए रोड़ा पैदा कर रहे हैं। इस दौरान 17% किसानों ने कहा कि खेती की जो लागत बढ़ गई है वो उनकी राह में समस्या ला रही है। इस दौरान सिर्फ 13% किसानों ने ये माना कि जो बढ़ता कर्ज है वो उनकी राह में रोड़े लगा रहा है, वो उनके विकास में बाधा बन रहा है। जो छुट्टा पशुओं की समस्या है वो देशव्यापी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु जो हैं, जो हमारा गायें हैं, जो गोवंश हैं, वो उनके लिए बड़ी समस्या बन रहे हैं। आप देखिए, सर्वे में शामिल हमारे साथी थे, जब किसानों के पास गए उन्होंने क्या कहा। हमारा पशु तो इतने आगे हैं जो फसल को पूरा बराबर टाइम तक जाने नहीं देते। हमारा डंगरों की बहुत प्रॉब्लम आती है, फसल को खा जाते हैं। जी मौसम है और जंगली जानवर है। हाँ, यही गाय चलते हैं सब, चट्टा वाले जानवर सब साफ के हैं। तो कीके जानवर आए जो चुट्टा, तो कीके जानवर में सब छोड़े आदमी, अब जो कोयला वो छोड़ जाते हैं। होते हैं तो जानवर खा जाते हैं, कभी होती नहीं है खेती। बंदर, सुमर, जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये किसानों का दर्द था। अब आपको हम वो फाइंडिंग दिखाते हैं जो हमारे सर्वे में निकल के आई है।
43.6% किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु जो है उनके लिए इस समय बड़ी समस्या है, जबकि कुछ साल पहले तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी। 28.2% किसानों ने माना कि छुट्टा पशु उनके लिए कभी समस्या नहीं है, जबकि इस दौरान 20.5% किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु उनके लिए हमेशा से समस्या रहे हैं। इस दौरान सिर्फ 7.7% लोगों ने माना कि छुट्टा पशु उनके लिए न कभी समस्या थे न कभी समस्या है। हमारे सर्वे का सबसे अहम सवाल, कृषि प्रधान देश में खेती कैसे सुधारी जा सकती है, ये सवाल हमने आम किसानों से पूछा कि आखिर उनकी नज़र में ऐसा क्या है जो किया जाए ताकि खेती की जो हालत है वो सुधर जाए। ज़्यादातर किसानों ने कहा कि सिंचाई एक बड़ी समस्या है, अगर इसमें सुधार किया जाए तो उनकी समस्या का काफ़ी हद तक हल हो सकता है। और ये वाजिब भी है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा जो खेती का है, जो ज़मीन है, वो बारिश की सिंचाई पर निर्भर है। कोई पानी का साधन नहीं है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, बारिश नहीं हो रहा है, यहाँ पानी की कमी है, पानी है नहीं, धरती 50 फुट बोर है, 50 बार पानी छोड़ती है। ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ के तालाब, कुआं, बोरिंग सारे सूख रहे हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। आजकल मई जून के महीने में पानी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम जो है, मतलब जहाँ से भी हो आपको ये जो है पानी अब जैसा मतलब सप्लाई नहीं मिलता है। जब हमने पूछा कि खेती कैसे सुधरे, 41% लोगों ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था अगर बेहतर हो, अच्छे अगर नहरें हो, अगर उनके खेत तक पानी आए तो खेती सुधर सकती है। 29.5% लोगों ने कहा कि अनाज की बेहतर अगर कीमत मिलती है तो खेती सुधर सकती है। इस दौरान 19.9% लोगों ने कहा कि अगर सस्ता बीज और खाद मिले तो किसानों की हालत में सुधार हो सकता है, जबकि 9.6% लोगों ने माना कि अगर सस्ता डीजल मुहैया हो तो किसानों की बड़ी समस्या जो है वो हल हो सकती है।